नमस्कार, स्वागत है आपका। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। तो देखिए, चांद पर हिंदुस्तान। जी हां, कुछ ही घंटे का वक्त बचा है जब चांद पर हिंदुस्तान होगा। भारत के लिए आज का दिन सबसे बड़ा है। 3.5 घंटे के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी और आज भारत दुनिया में इतिहास रच सकता है। बता दें कि शाम को ठीक 6:04 पर चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी और 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि मिशन की सफलता के लिए देश विदेश में हवन पूजन का दौर चल रहा है और भारत का चंद्रयान 3 धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। देश के साथ ही पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर टिकी हुई है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो ने ये कंफर्म कर दिया है कि चांद के दक्षिणी हिस्से पर चंद्रयान 3 का ऐतिहासिक टचडाउन आज शाम को ठीक 6:04 पर होगा। और इसरो ने ये भी बताया है कि चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में अहम फैसला लैंडिंग से ठीक 2 घंटे पहले लिया जाएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होती दिखी तो लैंडिंग 27 अगस्त तक के लिए टाल दी जाएगी और चंद्रयान 3 के लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा के जरिए ये तस्वीरें ली गई है। तो चांद के आसपास की तस्वीरें भी इसरो ने शेयर की है। तो देखिए, 14 जुलाई की वो तारीख थी जब 3:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसकी लॉन्चिंग हुई थी। तब भी पूरी देश दुनिया ने यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष स्पेस का दबदबा देखा था। और आज देखिए, 40 दिन के बाद 23 अगस्त की आज वो तारीख जब इतिहास में ये तारीख दर्ज होने वाली है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। देखिए, अब तक की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि कई देश चांद तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आज का मिशन भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें या फिर रूस की बात करें, इसके अलावा देखिए पूरे दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि आज भारत बुलंदी की एक नई तस्वीर छूने जा रहा है। शाम का वो वक्त होगा, थोड़ा ही वक्त बचा है जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। तो मिशन मून पर सभी की जो नजरें हैं वो टिकी हुई है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, दिल की धड़कनें जो है और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, काफी बड़ा दिन है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब आपको बता दें 2019 में चंद्रयान 2 का मिशन जो है फेल हो गया था और अब साइंटिस्ट जो है किस तरीके से दुखी हो गए थे, उसके बाद उनका हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। लेकिन अब सफलता के बेहद करीब है हमारा चंद्रयान 3 और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा इस मिशन को लेकर, चलिए आपको सुनवा देते हैं। सारा देश गर्व से भरा हुआ है, मन आनंद और प्रसन्नता से सरोवर है। मैं अपने वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जिनके बुद्धिमत्ता और परिश्रम के कारण ये क्षण आए हैं, और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ये असाधारण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज का दिन भारत के गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, आनंद और प्रसन्नता का दिन है, और ये लगातार सिद्ध होता जा रहा है कि भारत अब सबसे आगे निश्चित तौर पर नया कीर्तिमान है। के लिए आज का दिन गौरव और गर्व का दिन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना। बाबा रामदेव ने इस मिशन को लेकर क्या कुछ शुभकामनाएं दी, ये भी जरा आपको सुनवाते हैं। की सेफ लैंडिंग हो, इससे भारत का गौरव वर्धन हो। भारत विश्व की महाशक्तियों में आज सम्मिलित है, और जब बात चंद्रमा पर विजय की हो तो चंद्रमा पर तिरंगा लहराए, इससे 140 करोड़ भारतीय गौरवान्वित होंगे। ये क्षण हमें अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा, हमारे लिए भी ये क्षण बहुत ही गौरवपूर्ण होगा। आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेंगी और पूरी दुनिया में भारत की धाक जमेगी, पूरी दुनिया भी भारत का लोहा मानेगी। पूर्वक इस अभियान की पूर्ति हो, इसके लिए हमने हवन किया है, प्रार्थनाएं की हैं, और 140
40 करोड़ लोगों की प्रार्थनाओं से और हमारे वैज्ञानिकों के पुरुषार्थ से हम आश्वस्त हैं कि लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। मून पर पूरी दुनिया जो है टकटकी लगाए बैठी है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है दिल की धड़कनें भी तेज होती चली जा रही है। बता दें आपको कि कुछ ही घंटे का समय और विक्रम मॉड्यूल चांद की सतह पर पहुंच जाएगा, यानी कि वो घड़ी आ जाएगी जिसका हम सभी को इंतजार है। और वो वैज्ञानिक जो दिन रात जुटका जिन्होंने मेहनत की, उनकी दिल की धड़कनें भी तेज है। तो देखिए आज का दिन, आज की शाम काफी ज्यादा ऐतिहासिक, क्योंकि आज के दिन का सभी इंतजार कर रहे थे और सभी को उम्मीदें हैं कि हम आज कामयाब होंगे। इंतजार सभी को उस पल का था और जब चांद पर तिरंगा लहराएगा, और वो पल देखिए बेहद करीब आ गया है। कुछ ही घंटे का समय बचा है और चांद से चंद कदम की दूरी पर अब लैंडर है। धीरे धीरे लैंडर आगे बढ़ेगा और 6:04 का वो समय जिसका हम सभी भारतीयों को बेसब्री से इंतजार है। दुआओं का दौर भी हमने देखा, 140 करोड़ देशवासी जो है वो दुआ कर रहे थे कि कैसे ये मिशन जो है सक्सेसफुल रहे। दुआओं का दौर हमने देखा और अब बस थोड़ी ही देर का इंतजार, यानी कि कुछ घंटों का इंतजार, 6:04 का वो समय है जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। चंद्रयान 3 पर सभी की निगाहें, देश ही नहीं पूरी दुनिया जो है निगाहें बनाए हुए है मिशन चंद्रयान पर, और सभी को उम्मीद है कि ये मिशन जो है सक्सेसफुल होगा। तो बिल्कुल सभी की निगाहें टिकी है कि ये जो मिशन है वो सक्सेस हो। चलिए हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए वैज्ञानिकों का ये प्रयास, मन में विश्वास और पूरा हिंदुस्तान आज कह रहा है हम होंगे कामयाब। बिल्कुल ऋतु, हम होंगे कामयाब। और हमारा जो मिशन चंद्रयान 3 है, ये जिस तरह की अनुकूल परिस्थितियों में अब तक आगे बढ़ा है, तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये निश्चित तौर पर चंद्रमा पर भारत का तिरंगा लहराएगा और तिरंगे पर हिंदुस्तान, और इसके साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव हिस्से को स्पर्श करने वाला पहला देश दुनिया का बनेगा, जो एक बहुत बड़ी सफलता होगी। और हमारा ये जो चंद्रयान है, ये 6:04 पर शाम को भारतीय समय के अनुसार ये अपनी कार्रवाई शुरू करेगा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की। और ये 17 जो होंगे 6:04 से लेकर 6:21-22 के, इसे वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा क्रूशियल मानते हैं और इसीलिए इसे मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है, आतंक के 17 कहा जाता है कि मिनट्स जो हैं ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होते हैं। इन 17 में जितनी कुशलता, वैज्ञानिक दक्षता है, उसकी कसौटी पर उसे खरा उतरना होता है। और यही वो समय है जब कहानी बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो ये जो 17 ऑफ टेरर हैं, हम सब की विश है, पूरे देश में प्रार्थना हो रही है, मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग लगातार प्रार्थनाओं में जुटे हैं कि ये जो 17 हैं ये भारत का इतिहास बनाने वाले 17 हो। तो हम सब फिंगर क्रॉस करके चल रहे हैं ऋतु, और उम्मीद की जानी चाहिए सब कुछ बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो। ज्योतिषाचार्य मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, इस पूरे मिशन की बात की जाए तो जैसे जैसे अब समय बढ़ता जा रहा है, दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही है, भारतीय ज्योतिष विज्ञान के नजरिए से अगर हम देखें तो इस मिशन को आप कैसे देखते हैं? वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम उस क्षेत्र में पहुंचने में कामयाब हुए जहां पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। पर हमारा ज्योतिष शास्त्र और हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं वो उस क्षेत्र पे पहले पहुंच चुके हैं, और ऋग्वेद के अनुसार, तैतरीय संहिता के अनुसार चंद्रमा के बारे में ऐसा वर्णन किया गया है कि चंद्रमा खुद की रोशनी से रोशन नहीं होता है, सूर्य की रोशनी से उसमें प्रकाश आता है। साथ ही चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव भाग है जिस पर प्रकाश सूर्य का नहीं पहुंच पाता है, वही स्थान पितरों का निवास स्थान माना जाता है। तो उस स्थान पर जहां आज तक
कोई नहीं पहुंच पाया है, वर्तमान का विज्ञान भी नहीं पहुंच पाया, भारत उस पर पहला कदम रखने जा रहा है, तो ये बहुत ही गर्व का विषय है समस्त भारतवासियों के लिए। साथ ही साथ हमारा जो पौराणिक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, जिसने इसके बारे में पूर्व से ही वर्णन कर रखा है, ये इसलिए भी हमारे लिए गर्व है कि हम पूर्व में ही इतने सक्षम थे कि उस क्षेत्र के बारे में जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बताया कि ये काफी ज्यादा ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां भारत पहुंचने जा रहा है। शरद जी के पास मैं जाना चाहूंगी। शरद जी, जिस तरीके से आज बड़ी कामयाबी भारत को मिलने जा रही है, अगर भारत सफल होता है, यहां पर सफलता मिलती है, तो अन्य देशों को कितना सीखने की जरूरत है भारत से? क्योंकि आपने देखा पाकिस्तान से रिएक्शन सामने आए, उनका ये कहना था कई लोगों का कि भारत से सीखने की काफी ज्यादा जरूरत है, दूसरे देशों के लोगों को अगर सफलता मिलती है तो कैसे ऐसा देखा जाए और इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए ऋतु, ये प्रतिष्ठा से जुड़ा प्रश्न होता है। किसी भी देश की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय मंच पर दो तीन कारणों से होती है। सबसे बड़ी चीज होती है उसकी वैज्ञानिक और तकनीकी संपन्नता, दूसरी चीज होती है कि किस तरह से वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तीसरी चीज होती है कि उसके यहाँ जो मानव संसाधन है, वो मानव संसाधन यानी उसकी आबादी, वो किस तरह से आगे बढ़ रही है और देश के विकास में योगदान दे रही है। चौथी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस देश में शांति होनी चाहिए, उस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का राज होना चाहिए और राजनीतिक दल चुनाव की प्रणाली से निर्वाचित हों और बहुत ही सत्ता का हस्तांतरण बहुत शांतिपूर्वक होना चाहिए, जैसे दुनिया के सबसे बड़े विराट लोकतंत्र भारत में होता है। जी। आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान में सारी चीजें इसके उलट हैं। वहां पर सत्ता जो है ऐसे बदलती है कि कहना मुश्किल होता है। जो भी हुक्मरान होते हैं वो सारे जेल में जाते हैं या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। गरीबी का प्रतिशत बहुत अधिक है, चुनौतियां इतनी बढ़ गई हैं कि पाकिस्तान अपनी महंगाई का सामना, वहां के नागरिक महंगाई से जूझ रहे हैं और उससे बेचैन हैं और कई बार अतिवादी कदमों की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जो भारत के साथ ही एक स्वतंत्र देश बना 1947 में, 14 अगस्त पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है और 15 अगस्त हमारा है, लेकिन आज कितना बड़ा अंतर है। आप कह सकते हैं कि आबादी का भी अंतर है, लेकिन आबादी के अंतर के बाद भी दुनिया में इजराइल जैसे छोटे देश भी हैं जो तकनीकी रूप से भी बहुत संपन्न है, आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न है। यूरोप के अनेक देश हैं जो बहुत छोटे हैं आबादी में, लेकिन वो बहुत दुनिया में पहचाने जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान भारत की तुलना में गर्त में ही जाता चला गया और इसकी वजह पाकिस्तान की आवाम नहीं है, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। तो भारत की जो सफलता है, भारत की जो प्रसिद्धि है, आज से नहीं है। हम पूरी दुनिया में आरंभ से अपनी उपलब्धियों के लिए पहचाने गए हैं। आज हम फाइटर प्लेन भी बना रहे हैं, हम चंद्रयान मिशन भी संचालित कर रहे हैं, इसके बाद हमारा अंतरिक्ष अभियान बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा और हम दुनिया के उस विशिष्ट क्लब में होंगे जिसमें 3-4 देश ही शामिल हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये पूरी दुनिया में भारत की उस सत्ता को स्थापित करेगा जिसे हमारे यहाँ परंपरा से कहा जाता है कि भारत में विश्व गुरु होने की क्षमता आरंभ से रही है और अतीत में हम विश्व गुरु रहे भी हैं। विश्व गुरु होने का अर्थ होता है एक ऐसा देश जो उदार है, जो युद्ध की स्थिति में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता है, शांति पर चलने की हिमायत करता है। तो मुझे लगता है कि चंद्रयान मिशन 3 उसी दिशा में एक बहुत बड़ा अभियान है जो भारत की उसी हैसियत को पूरी दुनिया में फिर स्थापित करने की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल, अंतरिक्ष में भारत की एक नई उड़ान होगी जिस तरीके से आपने बताया। सर मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से चांद पर आज हिंदुस्तान पहुंचने वाला है, वहां पर हिंदुस्तान का झंडा फहराया जाएगा, तो चांद की अगर बात करें तो शास्त्रों में क्या महत्व है चांद का, और आज जो समय रखा गया है 6:04, उस समय के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या वो समय भी कुछ खास है ग्रह नक्षत्र की अगर आप बात करें तो? चंद्रमा पे विशाखा नक्षत्र में चंद्रयान उतरेगा जी। विशाखा नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरु, परंतु यह जो उतरने का समय रखा गया है यह नक्षत्रों के हिसाब से नहीं है। वहाँ पर इस समय पे सुबह होगी, यानी धूप आएगी और उस प्रकाश में चंद्रयान को वहाँ पे उतारा जाएगा।
क्योंकि चंद्रमा पर 27 दिन में एक बार सुबह होती है, यानी कि हमारे 27 दिन बीत जाते हैं जब चंद्रमा का एक दिन व्यतीत होता है। तो ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र में भी वर्णन है कि 27 नक्षत्रों में चंद्रमा भ्रमण कर लेता है, तब 28वें दिन वहाँ पर सुबह होती, यानी चंद्रमा का एक दिन रात हमारे 27 दिनों के बराबर होता है। तो वहाँ पर हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने गणना इस प्रकार से की है कि जब सूर्य उदय हो उसके प्रकाश में ही वहाँ पर लैंडिंग की जाए, इसलिए यह समय उन्होंने चुना हुआ है। इसका नक्षत्रों से फिलहाल कोई लेना देना उनके अनुसार नहीं है। मनीष जी, लेकिन आपकी जो ज्योतिषीय गणना है 6:04 के लिए, वो जरा हमको समझाइए कि ये समय ज्योतिषीय दृष्टि से, ज्योतिषीय गणना की दृष्टि से क्या एक ऐसा समय है, अगर ज्योतिष विधा की दृष्टि से हम देखें तो 6:04 पर जो गणना ज्योतिषीय होंगी क्या वो ये बताती हैं कि हमारी सफलता का प्रतिशत काफी उज्ज्वल है? जी जी, यह समय जो रहेगा, इस समय विशाखा नक्षत्र रहेगा और विशाखा नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरु, और उस समय तुला राशि में चंद्रमा रहेगा। तो उस समय जब चंद्रयान वहाँ पर लैंडिंग करेगा भारत की राशि से, भारत के आज़ाद होने की जो राशि है वो है कर्क जी। तो कर्क सिंह कन्या तुला चौथी राशि में चंद्रमा वहाँ, यह चंद्रयान वहाँ पर लैंड करेगा और यह सफलता दिलाने वाला, भारत का परचम फहराने वाला विश्व में रहने की पूरी संभावना है। वाह, आपने तो मन प्रसन्न कर दिया, यानी परिस्थितियां भी काफी अनुकूल हैं। अगर हम खगोल विज्ञान एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ज्योतिषीय विज्ञान की बात करें, तो हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत भी बहुत अद्भुत रही है, और ज्योतिष जिसको आप कई बार कह सकते हैं कि एक ऐसी विधा है जिसमें ज्योतिषीय खगोलीय स्थितियों का आकलन करके, ग्रहों का आकलन करके भविष्यवाणियां की जाती हैं, तो वो भी अनुकूलता जैसा उज्जैन से जुड़े हुए विद्वान हमारे ज्योतिषी पंडित मनीष जी बता रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है ऋतु, बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली है ये। जी बिल्कुल, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि सफलता का प्रतिशत जो है हमारा ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मनीष जी से एक सवाल मैं भी करना चाहूंगी, देखिए हमारे भारतीय ज्योतिष की बात की जाए तो 12 ग्रह हैं जिनमें से 9 प्रमुख माने जाते हैं और चंद्र भी उनमें से एक आता है। चंद्र ग्रह की बात की जाए, जब मिशन आज चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा तो चंद्र ग्रह की बात की जाए तो इस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? 12 ग्रह नहीं हैं, 12 राशियां हैं। 12 राशियां जी, 9 ग्रह होते हैं और उनमें भी 7 ग्रह फिजिकल होते हैं, यानी जो दिखाई देते हैं, 2 छाया ग्रह प्रमुख ग्रह जी, 2 ग्रह राहु और केतु, ये छाया ग्रह होते हैं, ये दिखाई नहीं देते, और इन राहु और केतु के कारण ही चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है। जब पूर्णिमा का समय होता है उस समय राहु या केतु का गोचर चंद्रमा के साथ हो और राहु या केतु का गोचर सूर्य के साथ हो और ये दोनों ग्रह ठीक आमने सामने हो, उस समय चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इतना महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि धरती पर संचालित होने वाली अधिकतम घटनाएं चंद्रमा से संबंधित होती हैं। बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी मनीष जी। मैं हमारे साथ सीनियर सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार चक्रधारी जी भी जुड़ गए हैं। चक्रधारी जी, सबकी दिलों की धड़कनें काफी ज्यादा तेज है, आपकी दिल की भी धड़कन जाहिर तौर पर तेजी होगी। इस वक्त कुछ ही घंटों का समय बचा है, कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि इस समय जो है मेरे साथ में, जैसा आपने कहा कि पूरे देशवासी और न केवल देशवासी बल्कि जो है पूरे विश्व की निगाह चंद्रयान 3 पर पड़ी हुई है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो है रशिया ने भी कोशिश किया था कि चांद पर पहुंचा जाए और उसी दिशा में, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, और इस कारण से पूरे विश्व की नजर जो है अब चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। और जिस ढंग से जो है इसरो के वैज्ञानिकों ने मेहनत किया है और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने जो है दावा किया है कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतना कॉन्फिडेंस के साथ जो है तैयारी की है
कि आज बिल्कुल जो है इतिहास बनने वाला है और हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश होगा, तो बिल्कुल जो है ये बहुत महान और बड़ी उपलब्धि होगी हमारे देश के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से चक्रधारा जी आप कह रहे हैं कि ये बड़ी उपलब्धि हमारे साथ होगी। और देखिए ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ साकेत गौरव जी भी जुड़ गए। साकेत जी आप देखिए, हम बातचीत कर रहे हैं कि कुछ ही घंटे का समय बचा है, ऐसे में ऐतिहासिक पल ऐतिहासिक शाम आज की होने जा रही है, आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हर भारतीय आज गौरवान्वित है। सबसे पहले तो आपकी पूरी बंसल न्यूज नेटवर्क को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं साकेत कौरव प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रीजनल साइंस सेंटर, मैं अपनी टीम की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि जो पूरी दुनिया की अब टकटकी हमारे चंद्रयान 3 लैंडर मिशन की तरफ लगी हुई है, उसके पीछे कारण बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली बात तो जैसे कि अभी अभी आपके पैनल में कोई चर्चा कर रहा था कि हम पहली बार जा रहे हैं। देखिए चांद पे अन्वेषण तो कई वर्षों से हो रहा है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी हो या उसके पहले से भी रशियन स्पेस एजेंसी हो, हम ये 70 की दशक की बात कर रहे हैं, तब से चांद पे जा रहे हैं। लेकिन दक्षिण ध्रुव के करीब जाने का ये जो पहला अभियान है वो इसरो ने चुना है, और हम आज शाम के बाद चौथे राष्ट्र होंगे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले, परंतु दक्षिण ध्रुव के करीब उतरने वाले प्रथम राष्ट्र होंगे। और आप सोचिए, आपके दर्शकों को ये बात जान के बड़ी रुचिकर भी लगेगी कि हम इतने सालों से चांद की, अब अगर इस एनिमेशन को आप देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ओरिजिनल इमेजेस है नासा के एक एलआरओ मिशन की चांद की, तो आप देखेंगे कि चांद का वो दक्षिण ध्रुव, ये निचले वाला हिस्सा, अगर मैं चांद को घुमाता हूं ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है अगर हम पोल पे जाते हैं, तो चूंकि ये मिशन इसको सूर्य की जरूरत है, सूर्य की रोशनी की, तो बिल्कुल दक्षिण ध्रुव के ऊपर नहीं बैठेगा ये, उससे बहुत दूर है, यानी भूमध्य जो उसकी रेखा है इक्वेटर है चांद का, उससे 69 डिग्री साउथ और 32 डिग्री ईस्ट की तरफ। अब उसमें सूरज का प्रकाश भी मिलता रहे ताकि आपके इस लैंडर के सोलर पैनल को बिजली बनाने के लिए काफी प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो हम इसलिए दिन का इंतजार कर रहे थे इसरो, क्योंकि आपको पता होगा 2 से 3 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी चांद की कक्षा के फाइनल ऑर्बिट में हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर चक्कर लगा रहा है, और आज जैसे ही सूर्योदय होगा चांद की उस सतह पर, और इसरो की टीम चंद्रयान 3 के लैंडर को उतारने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। आज जैसे कि इसरो कुछ समय पहले इसरो ने ऑफिशियली एक इन्फॉर्मेशन भी रिलीज की है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस ALS, यानी 5:44 पर इसरो जैसे ही चंद्रयान 3 का लैंडर एक चांद की इस तरीके की कक्षा में आ जाएगा कि अब उस पर्टिकुलर बिंदु को साकेत जी बता रहे हैं लैंड करेगा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, और हम सभी को भी उस पल का इंतजार है, पूरे देशवासी उस पल का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे घड़ी वो नजदीक आते जा रही है, देश का जोश भी हाई होता जा रहा है, क्योंकि आज के दिन की बात की जाए, आज की तारीख की बात की जाए, इतिहास में ये दर्ज होने वाला है। तो जितने भी मेहमान हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए आज चांद पर हमारा हिंदुस्तान होगा, और आज गौरव का पल पूरे देशवासियों के लिए होगा।